रीवा थाना पनवार रामबाग चौराहे में सब्जी की दुकान में हुई चोरी। चोरों के हौसले बुलंद, चटकाए ताले, लोगों में बनी दहशत का माहौल। जी हां, आपको बताते चले कि रामबाग चौराहा आए दिन चोरी का मामला सामने आता ही रहता है। कहीं पान की गोमती या कहीं सब्जी, अन्य दुकानों में ढाबा बोलते रहते हैं। उनको प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। इस दशहरा के मौके पर शाम को बताया जाता है कि अच्छे लाल कुशवाहा सब्जी की दुकान में चोरों ने ताला चटका कर करीब 1000 नगद सेब से भारी 2 पेटी चोरी हुई। बताया जाता है कि जिस पेटी में पैसा रखा हुआ था, वह पेटी सहित और 20 किलो सेब चोरों ने लेकर फरार हो गए। जब सुबह अच्छे लाल कुशवाहा अपनी दुकान पर आते हैं, दुकान की हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने तत्काल चोरी की वारदात की जानकारी थाना पनवार में जाकर सूचना दी। मौके पर पुलिस बल मौजूद हुआ। घटना की जानकारी जानते ही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा, इसके बाद उक्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रामबाग के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है कि आज छोटी छोटी दुकानों में चोरी होती है। कहीं प्रशासन की तरफ से अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो किसी बड़ी वारदात को मौका तलाश रहे हैं, जिसमें प्रशासन इन चोरों को कब गिरफ्तार करते हैं, कब कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इनके हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे और या किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज की टीम में मनोज गुप्ता के साथ विनोद यादव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज पन्ना रिपोर्टर मनोज गुप्ता इस वक्त रामबाग रिपोर्टर विनोद यादव के साथ रामबाग चौराहे में मौजूद हूँ, क्योंकि सूचना मिली है कि एक सब्जी की दुकान में चोरी हुई है। उसके संबंध में जानकारी लेने यहाँ पर मौजूद हुआ हमारे पास मौजूद है। क्या नाम है आपका? आपने थाने में सूचना दिया क्या? हाँ, सूचना दी। तो पुलिस आई थी? आई थी। तो क्या कहती गई है? यही कहती गई चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और मतलब अब दोबारा चोरी ना हो इसे गश्त किया जाएगा। तो आपके यहाँ पेटी गई है पैसे रखने वाले और क्या? और सेब गया था करीब 20-25 के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी पैसा रखा जाता है वो पेटी चोरी हुई है और 2 पेटी सेब जिसमें भरी जाती है वो भी चोरी हुई है भारत से। इसके संबंध में हम यहाँ जान रहे हैं और यहाँ आए दिन चोरियाँ सामने आती रहती है, जो कि प्रशासन इसके संबंध में सही चिंता तैयार कर रहा है और जो भी यहाँ के लोग दहशत में बढ़े हुए हैं। आज यहाँ चोरी हुई, कल और यहाँ होगी, इसके संबंध में प्रशासन जिम्मेदार होगा। और प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज रामबाग रिपोर्टर के साथ हमारी रिपोर्टर मनोज गुप्ता यहाँ पर मौजूद हूँ। प्रयाग मनोज गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।